सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति। हेलो दोस्तों, और एक मेरा न्यू वीडियो में स्वागत है। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अभी करीबन हम लोग 8-7-8 किलोमीटर दूर हैं ही, तो अभी इतना दूर से गाड़ियाँ जाम हो गई हैं पूरे इधर। अभी हम लोग आ गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के मेन गेट पर। अभी मॉर्निंग में यहाँ बहुत भीड़ भाड़ था, इसलिए हम लोग मॉर्निंग में आए नहीं, और वैसे टिकट भी कटा नहीं था। तो हम लोग वही सोचे कि पहले वो जंगल सफारी में जाते हैं, फिर बाद में इधर जाएंगे बोल के। पकड़ लो, बांट लो, बांट लो, मेरे को एक दे देना, मेरे को एक देना, बाकी इधर बांट देना। तो ये है टिकट। अब चलो चलते हैं आगे की ओर। अभी तो ये है कुछ नज़ारा। अब यहाँ से कुछ दूर चलना ही पड़ेगा पैदल, उसके बाद ही हम थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा दूर ही। क्या ही एक्सपीरियंस है, कुछ अलग सा फील हो रहा है। अभी थोड़ा धूप ज्यादा लग रहा है, लेकिन हम लोग मॉर्निंग में नहीं है इस वजह से। तो कुछ ही अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है, अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसे लगा। तो फाइनली यहाँ बहुत करीब पहुँच चुके हैं अभी, और यहाँ एक वाटर फवारा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पूरा साफ सफाई है, पूरा क्लीननेस, और बाकी यहाँ टिकट क्या चीज़ के टिकट से पता नहीं, फिर वो खाने पीने का या पता नहीं। तो यहाँ कुछ टिकट का रेट दिया हुआ है, टिकट रेट्स फॉर फॉरेनर विजिटर, फुल टिकट, फुल टिकट यानी सारा कुछ मिला के सारा। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, फाइनली पहुँच चुके हैं इसके करीब। और तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, फाइनली पहुँच चुके हैं। प्लान बना रहे थे इसी का, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, बाकी लोग पीछे हैं। और यहाँ थोड़ा सा पैदल चलना होगा, धूप बहुत है, उधर छाँव की ओर से जाएंगे। दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा सामने आकर बहुत अलग ही फीलिंग हो रहा है। लिफ्ट हो सकते हैं ना, लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट के थ्रू से भी जा सकते हैं। देखते हैं लिफ्ट यूज करते हैं। ओ भाई, चलो चलो। चलिए लेते, चलिए लेते, वीडियो बना रहे चल लेते तो बेहतर होगा। लिफ्ट चल रही है, थोड़ा स्लो चल रही है, अपने को थोड़ी जल्दी पहुंचने है, चल लेते हैं, क्या दिक्कत है। सही है, स्पीड सही है, अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगा तो आदमी यहाँ पर ये नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। अरे अरे, थोड़ा सा जर्क फील होता है। और ये रहा नर्मदा नदी,
क्या ही नज़ारा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम इन द बॉटम ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। पता नहीं मेरा इंग्लिश सही है कि नहीं, बट बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरे गुजरात आने में सबसे पहला मेरा सोच था कि जब भी जाऊंगा, जब भी मौका मिलेगा या तो मौका निकल कर सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना है। तब अभी फिलहाल पहुंच ही चुका और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति के सामने। और ये भी खास बात ये भी है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है और आने वाले समय में बनेंगे, बट अभी के लिए तो यही है। और यह बहुतों को पता ही होगा, इसके बनने की लागत है 3000 करोड़। अब ये तो मुंह फोड़ दूंगा एक आदमी का, सीढ़ी अपने आप चढ़ रही है। ओहो, अरे भाई, तो ये है ऊंची है ही, लिफ्ट पर चढ़ ही रहे हैं अभी, देखते हैं। अरे अरे अरे, ये हम लोग पहुँच गए हैं उनके चरणों में। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हमें मशीन लगाए बस सीढ़ी के द्वारा भी चढ़ सकते हैं या फिर पैदल भी। कभी कभी पैर फिसल जाता है, मजा नहीं आता। आदत हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बट आदत नहीं रहने से थोड़ा सा लगता है। अच्छी बात यह है कि इतना ऊंचा में है और इतना ऊंचाई में चढ़ने के लिए भी एक सुविधा बना दिया गया है। नहीं तो इतना ऊंचाई में चढ़ने का सुविधा नहीं था तो मुश्किल हो जाता। भाई आप कहाँ से हो? एमपी। अच्छा, तो वहाँ से घूमने के लिए आए हो कि सिर्फ घूमने के लिए? कब से? चलो चलो चलो, लिफ्ट अचानक बंद हो गई, ओवरलोड हो गया वैसे। तो ये फाइनली पहुंच गए हैं भाई, कैमरा में भी नहीं आ रहा यार भाई, इस प्रकार करने पड़ेंगे, सिर दिखेंगे नहीं यहाँ से तो। वाह, अब देख सकते हैं इतना बड़ा पैर ही है इनका। यह इनका अंगूठा पैर का, ये है इनका पांव का अंगूठा। अब ये चप्पल है, देखिए मूर्ति इतने ऊपर है कि हम देख ही नहीं सकते हैं, यहाँ से थोड़ा दिख रहा है उसका सर। नीचे आने से तो खाली इसके चप्पल अकेला आते हैं, इसके चप्पल इतना बड़ा है। सारे लोग हैं भीड़ पर, और ये वो रोड है वो पहाड़ के किनारे किनारे, और ये नदी है। तो उधर से हम लोग आए थे, करीबन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। पीछे से कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, इतना बड़ा धोती उनका, सारा का सारा मेटल का है। और यहाँ पर क्या है? हेलो, यहाँ पर पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है। ये क्या वॉशरूम होगा सर? गर्ल्स वॉशरूम।
ये नीचे क्या ये स्टैचू का दूसरा पैर लेना पड़ेगा मेरे को मोबाइल लेना पड़ेगा दिख रहे नीचे से ये पूरा पीतल का है तांबा बोलेंगे पीतल बोलेंगे इसका सारा इतना बड़ा अंगूठा देख सकते हैं कितना उसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा है तो अंदर के गैलरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर स्टैचू का फोटो है स्टैचू को बनाया कैसे गया वो चीज़ है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाया गया कि बनाया कैसे गया वो चीज़ ₹150 का ये हो गया ₹182 का दिखा गया उसके बाद अब अंदर देखते हैं अंदर क्या है ये क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी वेलकम टू द म्यूजियम अच्छा ये म्यूजियम है तो ये एलईडी चली रहे और ये नरेंद्र मोदी जी शायद जब फर्स्ट में स्टार्टिंग कर रहे थे यहाँ उद्घाटन तो नहीं शायद हमको लगता है ये उद्घाटन वाला होगा क्या ये तो जब बनाया जा रहा था स्टार्टिंग जो होता ना शुरुआत करते टाइम ये ला तो उस टाइम तो हमको लगता है फिर बाद में जब उद्घाटन हो चुका उसमें कैसा दिया ये सारे जितने भी लोग मंत्रीगण थे जितने भी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं को फोटो दिया हुआ फिर ये है गुजरात का कल्चर जो नर्मदा के लोग हैं उनका रहन सहन पहनावा ओढ़ावा व्यवसाय वो चीज़ तो ये और यहाँ की कलाकृतियाँ पुराने कलाकृतियाँ उनको दिखाया गया फिर आगे क्या है बस गुजरात के लोकल जन का साथ ही यहाँ कपास का जो ये लोग खेती के उसको भी दिखाया जा रहा है आगे क्या है आगे उनका हेड है अच्छा ये लाइट शो के बारे में दिखाया गया नाइट को लाइट शो होता है तो लाइट शो के लिए हम लोग को रुकना पड़ेगा तो उतना टाइम हमारे पास नहीं है तो उस वजह से हम लोग नहीं रुक रहे हैं अच्छी हेड देख लेता सामने से और ये है बीच में स्टैचू ऑफ यूनिटी का हेड यहाँ पर कुछ कुछ फोटोस हैं यहाँ पर मेरा फोटो क्लिक करना ठीक है यहाँ पर कुछ कुछ फोटोस रखे हैं और बाकी तो गुजराती कल्चर को शो करते हुए कुछ कुछ फोटोस हैं
यहाँ गुजरात का जो हिस्ट्री है या तो गुजरात का जो भूगोल है उसको उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है। वसावा मैंने वसावा क्या है उसके बाद अच्छा हाँ जितने भी गुजरात में जो ट्राइब हैं शायद जितने भी समुदाय हैं उन समुदायों को दिखाया जा रहा था। यहाँ पर लोग रेस्ट कर रहे हैं आराम कर रहे हैं तट भी समुदाय होगा ना इधर रिलीजन यहाँ पर जो रिलीजन है अच्छा समुदाय तड़वी समुदाय तड़वी समुदाय का लोग मृत ग्लेशियों जैसे झपड़ी माता वह राई माता मिलाड़ी माता अम्बा और कलका माता की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कुछ अलग अलग जितने भी गुजराती के समुदाय हैं गुजरात के समुदाय पाए जाते हैं गुजरात में जितने भी समुदाय पाए जाते हैं उनका अलग अलग कल्चर को दिखाया जा रहा था। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ पारिस्थितिक पर्यटन इको टूरिज्म आगे उधर जाने तो अपना तो ऑनलाइन टिकट नहीं है बुइंग गैलरी लिफ्ट यहाँ पर टिकट से चेक होगा तभी जाकर अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से है कि आप सीधा सरदार पटेल का वो छाती के पास जा सकते हैं जहाँ पर जहाँ से छाती जगह से आप पूरा और रिवर को देख सकते हैं पूरा डैम देख सकते हैं वैसे ही। यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है संदेश एक शपथ ले सरदार पटेल के पसीनों पर मेक ए पीपल मेक ए प्लेज इन द फुटस्टेप्स ऑफ सरदार पटेल। ये है लिफ्ट के ये यहाँ के पुराने शायद राजा जो थे गुजरात के उन सबों का वो फोटोज दिए गए होंगे। सामूहिक कार्य और प्रत्यायोजन सामूहिक कार्य और प्रत्यायोजन ये कुछ कुछ फोटोज है कुछ कुछ पेपर्स हैं जो उस समय के थे तो इस समय का जो फोटोज है वो कुछ यहाँ पर इस प्रकार दिया गया विभाजन यानी स्वतंत्रता की कीमत विभाजन से लगाना पड़ा। अगर स्वतंत्रता नहीं होता तो सब एकजुट होते शायद स्वतंत्रता हुआ स्वतंत्र हो भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर विभाजन हो गया। यहाँ पर भी कुछ कुछ है कुछ कुछ पढ़ने को पता चलेगा पढ़ने के बाद ठीक है कहाँ से यहाँ पर एक क्या है अच्छा मणिबेन और डाया भाई ये पुराना एक तस्वीर है उसको दिखाया गया यहाँ पर। यहाँ पर गरीब पुरुष द फैमिली मैन फिर यहाँ कौन कौन है वीर विठल भाई यहाँ पर कुछ बुक्स हैं लंदन से लौटे वकील लंदन रिटर्न लॉयर कौन थे अच्छा उन्हीं का
उसे 1916 में वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में रहते थे। अच्छा अच्छा फिर एक वकील भी थे, यानी अपराधी मामलों के बड़े वकील थे कह रहे हैं। अच्छा ये रियल बुक नहीं है ना? अच्छा ऐसे लग रहा है रियल बुक है बेटा। तो कुछ इस प्रकार ये पुराने तस्वीर हैं। वो अंदर थिएटर है तो पुराने हिस्ट्री को बता रहे हैं। चलते चलते पहुँच तो यहाँ से स्टैचू के नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। ये इधर से हम लोग आए थे और ये पूरा स्टैचू कैमरे में तो फुल आता ही नहीं है। तो अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा।